तथापि ये चलेगा ना, आचार विषयत्वम नाम कृति विषयत्व, ज्ञान विषय सुखे अपि कृत विषयत्व विरहात न व्यभिचार, यहाँ तक हुआ था। तथापि तथापि सुखोद्देशेन धर्मं करोति प्रतीत्या उद्देश्यतया कृत विषयत्व से सुखे सत्वेन व्यभिचार वारणाय विधेयतया कृत विषयत्व हेतु प्रयोक्तव्य, बल्कि यहाँ तक पाठ की थी। सुख को उद्देश्य करके धर्म कर रहा हूं ऐसे संकल्प करते हैं लोग, बोलते हैं, तो ऐसा जब है इसका मतलब क्या, सुख में उद्देश्यता आ गया, उद्देश्यत्व ना हमारे कृति साध्य बन गया वो, तो इसी कारण से फिर अतिव्याप्ति हो रही है वहां सुख में। उद्देश्यता कृति का विषय होने के नाते सुखे सत्वे, सुख में आपके हेतु चला गया, इसे दोबारा व्यभिचार हो गया सत्व ना व्यभिचार। तद वारणा क्या किया हमने, कहा विधेयतया कृति विषय तो कर दो, उद्देश्यतया कृति विषय जो है उसको हम मंगल नहीं मानेंगे, किंतु विधेयतया कृति विषय को हम मंगल मानते हैं। एवं अपि फिर भी सफलत्व भावती चैत्य वंदने, जहाँ सफलत्व नहीं है बौद्धों का चैत्य वंदन में, उसमें विधेयतया नास्तिकों का कृति विषय तो देखने को मिल रहा है, नास्तिक कृति विषय सत्व व्यभिचार से तद वारणा विशेष विधेयतया शिष्ट कृति विषयत्व, विधेय रूप से हो और शिष्टों का कृति विषय हो, इति हेतु प्रयोक्तव्य हो। शिष्टत्वं च और शिष्टत्व क्या है, शिष्टत्वं च अत्र वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व, वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व का नाम ही शिष्टत्व है, वेद को प्रमाण स्वीकार करने वाला। लेकिन वेद को प्रमाण स्वीकार करे लेना जीवन में आचरण न करे तो, इसलिए एक और विलक्षण करते हैं, फल साधनतांशे भ्रांत रहितत्वं वा, फल और साधन भी उनके द्वारा अनुष्ठान करना, यागादि का अनुष्ठान भी करो, केवल वेद को प्रमाण मानने से नहीं, वेद में कथित तो फल और उस फल को पाने के लिए जो साधन बताया गया उनका अनुष्ठान करने वाला, उसमें भ्रम नहीं है, अर्थात उसके भ्रम न होने से उसको अनुष्ठान करता है जो, वही शिष्ट कहलाता है। फल साधनतांशे भ्रांति रहितत्व माने भ्रांति रहित जो पुरुष, नास्तिकादीनां तार्श शिष्टत्व भाव है और नास्तिकों में हेतार शिष्टत्व नहीं रहा, अतएव तदीय चैत्य वंदने शिष्ट कृति विषयत्व भावात् न व्यभिचार, उनके द्वारा कृत चैत्य वंदन में विधेयतया शिष्ट कृति विषयत्व नाम के न होने से व्यभिचार दूर हो गया। तथापि पूर्व पक्षी कहता फिर भी प्रवृत्ति उपयुक्त बलवद अनिष्ट अनुबंधित विशिष्ट इष्ट साधन रूपम सफलत्म शेन यागे नास्ति, शेन याग में साध्य नहीं आपका, साध्य आपने क्या कहा था, प्रवृत्ति में उपयुक्त जो बलवद अनिष्ट अनुबंधी होना, बलवद अनिष्ट अनुबंधित रूपा जो विशिष्ट आपके इष्ट साधनत्व है, इष्ट साधन ज्ञान आपका शेन याग में नहीं है, क्योंकि बलवद अनिष्ट का अनुबंधी है, साध्य भाव का अधिकरण हो गया शेन याग, उसे फिर आपके हेतु चला गया, शिष्टाचार विषय दिखता है। जब वेद में वेद फल और साधनों को प्रमाण मानकर अनुष्ठान करने वाला मेघनाथ जैसे लोग हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष जो इस यज्ञ को करते हैं, उनके द्वारा विधेयतया शिष्टाचार विषय तो आया कि नहीं आया, अतिव्याप्ति हो गया, फिर वे विचार साध्यवाधिकरण हेतु। शेन याग से बलवधनिष्ठ नरक साधनत्वात् उस साध्य का भाव है, अति किंतु शिष्टकृत विषयत्व वर्तते अतो व्यभिचार। तद वारण है क्या कहना, अविगीत विशेषण विधि, अविगीत शिष्टाचार विशेषण, अविगीतत्व क्या है, बलवधनिष्ठ अनुबंधित्व तच्च शेन यागे न वर्तते इति न व्यभिचार। अब आगे के लिए आरंभ करते हैं, सिद्धे के साथ वाक्यान्वय कर रहे तचाचा, इसलिए क्या हुआ, बलवद अनिष्ट अनुबंधी फल साधनतांश भ्रांति शून्य पुरुष संवेद कृति विधेयत्वाद इति हेतु फलिता, इसलिए हेतु का पूरा विस्तृत रूप ऐसा बन जाएगा, बलवद अनिष्ट अनुबंधी होते हुए फल और साधनतांश में भ्रांति शून्य, ये हो गया शिष्ट का अर्थ, बलवद अनिष्ट अनुबंधी ये हो गया अविगीत शब्द का अर्थ, अविगीत का अर्थ है, और फल साधनतांश में भ्रांति शून्य पुरुष ये हो गया शिष्ट, उसमें संवेद जो कृति, उस कृति का विषय माने विधेयत्व, ये पूरा हेतु का स्वरूप बन गया।
इति संगमयंती, ऐसा के चित्तु संगमयंती, ऐसा कुछ लोग अन्वय कर घटाते हैं। इस प्रकार से के चित्तु हमारे इस अनुमान का इस तरह से पदकृति भी करते हैं। पहले सिद्धांत पक्षमुखी व्यक्ति का बता दिया, और कुछ लोग ऐसे भी पदकृति करके हमारा साध्य को हेतु को समझाते हैं। और ये कोई गलत नहीं है, ये भी प्रक्रिया, इसलिए इसका हम खंडन नहीं कर रहे। अब लौटी सिद्धे सिद्धे अनुमिते सती त्यक्त, ऐसे हमने सिद्धिया ने प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है ये, है ना, ये अनुमान हम कर रहे हैं। मंगलम सफलम अविगीत शिष्टाचार विषयत्वा, इस प्रकार से अनुमान के सिद्ध होने पर तत्र अभ्रांत तत्पुरुष इष्ट साधत्व अनुमित उद्देश्य भूत तत्पुरुष अनुष्ठित मंगले इत्यर्थ। वहां आगे तत्र च फल जिज्ञासायाम वाक्याय मूल में उस तत्र के अर्थ करे, तत्र मैंने एतार्ष मंगल में फल की जिज्ञासा होने पर क्या बोलोगे, फल उसका मैंने समाप्ति उसका फल है, ये कहना है कि आगे जोड़ना है। अभ्रांत जो तत्पुरुष इष्ट साधक मैंने जो श्रेष्ठ पुरुष है उसके इष्ट साधनत्व अनुमिति के अंदर उद्देश्यत उद्देश्य, अनुमिति का उद्देश्य हमेशा कौन होता है, अनुमिति में उद्देश्य कौन है, विधेय कौन होता है, अनुमान में उद्देश्य कौन होता है, हमेशा पक्ष उद्देश्य होता है और साध्य विधेय होता है उसमें। पर्वतो वनिमान कहा था ना, तादात्म संबंधावचन पर्वतत्वावचन परदृष्ट उद्देश्यता निर्मित संयोग संबंधावचन वनितावचन वनिष्ठ सा विधेयताक अनुमिति ही, अनुमिति का पर्वत वनिमान अनुमिति के बारे में वहां दिखाया था। इसलिए कहते उद्देश्य कौन हो गया, इसलिए पक्ष, पक्ष कौन है यहाँ पर हमारा मंगल, इसे उद्देश्य भूत तत्पुरुष के द्वारा अनुष्ठित मंगल, ये हो गया हमारा पक्ष। उस मंगल में सप्तमी तत्र कर फल जिज्ञासायामिति, फल की जिज्ञासा होने पर, फल की जिज्ञासा का मतलब क्या वो भी समझा रहे, प्रारिप्सितम में कर्म निर्विघ्नम परिसमाप्यताम इति, प्रारंभ किया गया मेरे द्वारा जो प्रारंभ किया गया कर्म है वह निर्विघ्न परिसमाप्त हो वे, इस प्रकार का जो उस पुरुष में विद्यमान कामना या तत्पुरुष या कामना तद विषय भूतम यद विशेष फलम, उसका विषय भूता जो विशेष फल था, क्या विशेष फल उसने चाहा, समाप्ति, समाप्ति रूपम तद जिज्ञासायाम तद जातुम इच्छायाम, उसको जानने की इच्छा होगी इस मंगल का वास्तविक मुख्य फल क्या है, ऐसे जाने की जब इच्छा हुई तो हम न्याय लगा रहे हैं वहां, क्या न्याय है, दृष्ट फल सत्व अर्थ फल कल्पनाया अन्यायत्व संभवती दृष्ट फल इत्यादि, दृष्ट फल कत्व संभवती इत्यर्थ इत्यादि समझना, ये मीमांसा दर्शन का न्याय है। पहला अधिकरण है जिज्ञासा अधिकरण, धर्म जिज्ञासा उस अधिकरण का है, उस अधिकरण में क्या न्याय का स्वरूप ऐसा था, दृष्टा दृष्ट फल संभवती दृष्ट फल से बलियम इति न्याय, उस न्याय को हमने दूसरे शब्दावली में यहाँ लिख दिया है, मैंने अर्थतः कह दिया, वो शब्द वो है न्याय का ये स्वरूप था, उसको हम अर्थतः घटा करके लिख दिया, दृष्ट फल संभव फल संभवती दृष्ट फल अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्व, ये हमारी शब्दावली है, अर्थ वही है लेकिन दृष्टफल कल्पने यत्र च दृष्टफलम नास्ति, जहां दृष्टफल नहीं है वहां पर तत्र अदृष्ट कल्पना अवकाश, अदृष्ट फल की कल्पना का अवकाश है, जैसे यथा गंगा जल स्नान पानादे, गंगा जल का स्नान, गंगा जल का पान, दृष्टफल दिख रहा है आपको, लग रहा है कि प्यास दूर हो रहा है ना, प्यास दूर होना दृष्टफल नहीं है गंगा जल पीने का, तो जल मात्र पीने से काम चलता है, पर अब भावना कर गंगा जल पी रहा हूं, एक भावना अलग है, वो भावना प्यास बुझाने के लिए नहीं है, भावना करोगे तब ना प्यास बुझेगा, ऐसा है क्या ना, आप पवित्र जल है गंगा है ये भावना जब आती है वह प्यास भले बुझ भी रहा है लेकिन प्यास बुझना उसका मुख्य फल नहीं है, मुख्य फल उसका पुण्य है, दूसरा वहां जा रहा है इतना मिट्टी गंगा जैसे हम लोग करते थे चतुर्मास में जाके नहा लो, और इतनी मिट्टी कीचड़ भरा रहता है उसे डुबकी लगा रहे सारा बाल मिट्टी भर गया, अभी रैंक दोबारा नहाना पड़ता है, स्नान करो क्या फल है वहां, दृष्टि तो नहीं मानोगे ना, अदृष्ट तो मानना ही पड़ेगा वहां,
इधर से आचमन, ये सब भी जो आचार न्याय के आचमन के विचार वहां पर आचमन किया आपने, आचमन से त्यास तो बुझ गया, थोड़ा बहुत तो गया, मुख सुख रहा है, आपने आचमन किया, लेकिन वो प्रायत्यर्थम शुद्ध्यर्थम भी था, आलस आ गया। जब भाई आ गई तो क्या करना है, शास्त्र क्या लिखा, जब भी आप संध्या पूजा पाठ करते रहते हैं, थोड़ा आलस आ जाता है, जमाई में आ जाए, नींद आने लग जाए, तो कहे आचमन करो, जल पिया। अब पीने से क्या है, थोड़ा आलस भी दूर हुआ और प्यास भी बुझ गया, लेकिन वो इनमें से कोई फल नहीं उसका। उसका फल क्या है, आपके अंदर जो तमगुण आया उसे दूर करके सत्वगुण पैदा किया, उसका मुख्य फल शुद्धिकरण हुआ। इसे यहां पर कहते हैं गंगा जल स्नान पानादे अदृश्य फल कल्पना अवकाश, वह अदृश्य फल कल्पना करने का हमारे पास अवकाश है। प्रकृति च, प्रकृति में ऐसे अदृश्य फल कल्पना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। प्रकृति च समाप्ति रूप अदृश्य फल संभवती, समाप्ति रूप जो अदृश्य फल संभव है वह अदृश्य फल कल्पना या अन्यायत्वात्, अदृश्य फल की कल्पना करना अन्याय होगा। दृष्टा दृष्टि इत्यादि न्याय विरोधात्यर्थः, अन्याय तो मतलब दृष्टा दृष्टादि जो मीमांसकों का न्याय है उसका विरोध हो जाएगा। ननु तर दृष्टम पुत्रादिगम मंगल फलम कल्पिता, तो पूर्व पक्ष कहता है आपने मंगलाचरण किया उधर बेटा पैदा हो गया, तो मंगलाचरण का फल बेटा मान लो, दृष्ट फल ही मानना है तो कोई भी चीज माना जा सकता है ना। आज भी कोई भूखा था मंदिर में खड़ा है और वह प्रार्थना कर रहा है, मंगलाचरण कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर, हे भगवान इतने में कोई आगे रोटी दे दिया, आप प्रार्थना का फल रोटी मानोगे, तो भूख तो लगी रही थी, आप प्रार्थना किया इतने में कोई आया बुला के आपको रोटी दे दिया, इस प्रार्थना का फल रोटी नहीं माना जा सकता। इसलिए मंगलाचरण आप किए करने के बाद किस लिए किए, क्या किए, अलग बात है, इतने बेटा पैदा हो गया इसलिए मंगलाचरण का फल बेटा है, ऐसा अर्थ आप नहीं कर सकते, वो भी तो दृष्ट फल है। पूर्व पक्ष दृष्ट फल ही लेना है तो पुत्र आदियों को दृष्ट फल क्यों ना माना जाए, ग्रंथ की समाप्ति तक क्यों विचार कर रहे हैं। तरी दृष्टम पुत्र आदि मंगल फलम कल्पिताम इतता उपस्थित तत्वाच, इसे मूल में क्या कहा, उपस्थित तत्वाच समाप्ति रेव तत्फलम कल्प्यते, ये मूल में था उस पर बोल रहे हैं उपस्थित तत्वाच। प्रारिप्य तुम कर्म निर्विघ्नम परिसमाप्य, ये तो आपका संकल्प था, उपस्थित क्या है आपके दिमाग में मंगल करने के लिए, मेरा आरब्ध ये कर्म जो है ग्रंथ आगा वो ग्रंथ समाप्त हो गया, या जो भी कर्म होगा कर्म की समाप्ति की आपके अंदर मुख्य थी जब मंगल आप कर रहे थे, मुख्य भाई आपकी इच्छा रही है। इति ग्रंथ आदो प्रवृत्त पुरुषस्य कामन यही वह मंगल करना, उस कामना के द्वारा मंगल आचरण किया है, तादृश कामनायाम विषयतया निर्विघ्न परिसमाप्ति उपस्थितत्वात्, तादृश कामना का विषय रूप से निर्विघ्न परिसमाप्ति ही उपस्थित हो गया, अतः उपस्थितम परित्यज्य, उपस्थित को परित्याग करके हमारे कामना में संकल्प में कहीं भी जो था ही नहीं, ऐसे जो अनुपस्थित कल्पने पुत्र आदि जो है प्रासंगिक अचानक हो गया, वो तो कहते दैव योगात हो गया, काकताली न्याय से हो गया, अब उन चीजों को फल रूपेण हम नहीं मान सकते, माना भावच्छ इत्यर्थः, ऐसे कल्पना कर कोई विशिष्ट प्रमाण भी विशेष प्रमाण भी नहीं है। समाप्ति व तत्फलम कल्प्यते, इसे समाप्ति को हम उसका फल मानते हैं, मंगल से फलम समाप्ति रेव इति अनुमीयते इत्यर्थः, कल्प्यते का मतलब है अनुमीयते, ऐसा अनुमान करते हैं। इसे अनुमान का अंतिम स्वरूप क्या बना, मंगलम सफलम, सफलम कर क्या बलवद अनिष्ट अनुबंधि होते हुए इष्ट का साधन होना, सब बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व विशिष्ट इष्ट साधतावत, ये हमारा साध्य हो गया, माने विधेय हो गया, मंगलम उद्देश्य हो गया और विधेय सफलम हो गया, और हेतु क्या है, अभिगीत शिष्टाचार विषय प्राप्त इत्यनुमाने, तार शिष्ट साधत्व व्याप्य अभिगीत शिष्टाचार विषयतावद मंगलमिति परामर्शात, इस अनुमान में परामर्श क्या होगा, परामर्श किसको कहते हैं, व्याप्ति जन्य ज्ञान का नाम परामर्श होता है, इसलिए हम ये व्याप्ति ले रहे हैं ना, इसे व्याप्ति लेकर बोल रहा है बात परामर्श एतादृश साधनत्व व्याप्य है ना, एतादृश साधनत्व का व्याप्य जो अविगीत शिष्टाचार विषयतावत, एतादृश साध्य व्याप्ति जो हेतु
उस हेतु का विशिष्ट जो है शिष्टाचार के विषय वाला होने से मंगलम पक्ष जो है इति परामर्शात। इतर पुत्र अदृष्टादि, इतर कौन है, पुत्र अथवा अदृष्टादि फल को नहीं मानते, फल साधत बाध ज्ञान सहकृता। अभी कैसा है, अन्य ज्ञान के द्वारा अन्य फलों को बाधक ज्ञान से सहकृत होने से व्यापक दावच्छेद का तादृश इष्ट साधत्व से व्यापक, व्यापक कौन था, सफलत्व हमारा जो इष्ट साधनता बलवद अनिष्ट अनुबंधित विशिष्ट इष्ट साधनता तो था ना, उसमें एक और तो जोड़ना पड़ेगा साधतावच्छेदक लेने के लिए। तब वैसे करें व्यापक दावच्छेदक तादृश इष्ट साधना तत्वेन व्यापकता अनवच्छेदक समाप्ति साधन तत्वेन वा धर्मेण समाप्ति साधनत्व विधेयक अनुमिति भवती। इस प्रकार के जो समाप्ति साधनत्व रूपा विधेयक मैंने साध्य तारस फल का साधन रूपत्वेन हम इस मंगल रूप अनुमान को करते हैं। मंगलम समाप्ति साधनम समाप्ति अन्य फलकत्वे सति सफलत्वादिति।